जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम खबरी में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको अप्रेंटिसशिप यानी कि जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं सीसीए जो कैंडिडेट है यानी कि अप्रेंटिसशिप जो रेलवे से कर चुके हैं, जैसे कि आपको पता है कि अभी साउथर्न रेलवे में 250 कैंडिडेट ने जो अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, तो वहां पर डिवीजन ने वहां पर धरना प्रदर्शन किया था। उसके अकॉर्डिंग जो है साउथर्न रेलवे ने चेन्नई में पड़ता है जो उन्होंने एक नोटिस जारी किए, जैसा कि आप इसके स्क्रीन में देख ही सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए जो रेलवे ने साउथर्न रेलवे ने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है आप लोगों के लिए कि जो अप्रेंटिस ट्रेंड इन इंडियन रेलवे एस्टैब्लिश आर गिवन प्रेफर इन अपॉइंटमेंट ओवर अदर सब्जेक्ट टू ऑब्टेनिंग द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड मीटिंग एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। यानी कि आपका जो रेलवे सिलेक्शन करता है अप्रेंटिसशिप के लिए, तो उसने पहले ही बोल दिया आपका जो ट्रेंड अप्रेंटिसशिप एस्टेब्लिश हुई है उसका आपका मेरिट के आधार पर होता है, यानी कि आपका जो आईटीआई का जो क्वालिफिकेशन है जो उसके आधार पर आपका सिलेक्शन करती है। उसके बाद अब रेलवे कैंडिडेट ने जो जिन्होंने अप्रेंटिस किया था यहाँ पर देखिए डिमांड किया था, क्या डिमांड किया था यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है क्लियर मेंशन है कि डिमांड ऑफ अप्रेंटिस ऑफ अपॉइंटमेंट इन रेलवे विदाउट अंडर गोइंग द ड्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ पर जो डिमांड किया था आप लोगों ने उसका जो है रेलवे ने खारिज कर दिया, यानी कि जो आपने डिमांड किया था कि हमारा जो है सिलेक्शन विदाउट एग्जाम के, यानी कि जो इनका पैटर्न होता है रेलवे का सिलेक्शन बोर्ड का, उसके अकॉर्डिंग ना किया जाए। जैसे पहले जीएम पावर के अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेक्शन हुआ था होता है, वैसे आप लोगों का सिलेक्शन किया था, तो उसको जो रेलवे ने ये यहाँ पर दे दिया है नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि आप लोगों का जो आपने जो डिमांड करी थी उसको नहीं एक्सेप्ट किया है उन्होंने। बाकी और जो यहाँ पर आप क्लियर मेंशन दे सकते हो दोस्तों कि सेक्शन वाइज, यानी कि सेक्शन वाइज ऑफ द अप्रेंटिस एक्ट 1961 प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। यानी कि जो यहाँ पर आप जो है रेलवे साफ साफ बोल रहे हैं कि नॉट पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी कि आप इस सिलेक्शन के प्रोसेस से आप बाहर हो इसलिए हम आपका सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो ऐसा साफ साफ जो है आप लोगों का जो डिमांड करी थी वो रेलवे ने साफ साफ मना कर दिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जैसे देख रहे टुडे ऑन 20 जुलाई 2023 को अराउंड 250% यानी कि 250 लोगों ने जो साउथर्न रेलवे में धरना प्रदर्शन किया था उनके अकॉर्डिंग जो है रेलवे ने ये जो है आप लोगों के लिए नोटिस जारी किया है। तो अब बात कर लेते हैं जो सीसीए कैंडिडेट हैं, क्या अप्रेंटिसशिप जो उनको बेनिफिट के लिए मिलना था क्या 20% जिनका यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन भी है कि आप लोगों ने जो डिमांड किया था वो खारिज कर दिया है रेलवे ने, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं किया है, ये उनके रिक्वायरमेंट प्रोसेस से अनुसार नहीं है कि आप लोग का सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो यही सारी जानकारी आपको देनी थी कि जो भी कैंडिडेट रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं और जो 250 कैंडिडेट ने वहां पर जो धरना प्रदर्शन भी किया था उनको एक्सेप्ट नहीं किया है रेलवे ने और नोटिस भी जारी कर दिए। तो सारा डिटेल इस नोटिस में लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। जो रेल पहले जो आपका सिलेक्शन होता था वो जीएम पावर के अकॉर्डिंग होता था, अब जो सिलेक्शन आपको जो 2017 के बाद से जो रेलवे ने कर दिया है, जैसा कि अभी आपने देखा ही है 2019 में जो वैकेंसी निकली थी और रेलवे ग्रुप डी की, और अभी जो 2023 चल रहा है अभी तक कोई भी रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है। और जैसे कि आपको मैंने बताया है कि 2017 तक जो आपका है जो रेलवे जीएम पावर के अकॉर्डिंग जो है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती करता था, लेकिन अब जो है ये नियम में कुछ चेंजेस किए हुए हैं अब, लेकिन उसके बाद भी रेलवे ने यह नियम लागू कर दिया था कि जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए थे तो उनकी जो 20% सीटें वो हम रिजर्व रखेंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि रेलवे में जो 20% रिजर्व सीटें हैं आप लोगों को बेनिफिट मिलता है पूरा? अगर ऐसा आपको लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा जो आप लोगों की राय है। तो बाकी ये जो आपको आपको अपडेट देनी थी कि रेलवे जो सीसीए कैंडिडेट हैं साउथर्न रेलवे ने 250 कैंडिडेट ने धरना प्रदर्शन किया था, उनका जो डिमांड था कि हमको रेलवे में परमानेंट नौकरी दी जाए, तो ऐसा रेलवे ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये बोल रहे कि हमारा सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर है इसलिए जो अप्रेंटिस एक्ट होते हैं यानी कि जो अप्रेंटिस होते हैं उनको हम परमानेंट जॉब नहीं दे सकते, साफ तौर पर उन्होंने ये खारिज कर दिया है। इसी के बेस में ये नोटिस रेलवे ने जारी भी कर दिया था।
तो अगर फ्रेंड्स यही अपडेट आप लोगों को देनी थी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसी अपडेट हमारे चैनल पे आपको टाइमली मिलती रहती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत।